ठीक uh, है जी आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं ठीक है ग्राफिक डिजाइनिंग सो ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले या जो एडोबी सॉफ्टवेयर उसका पहला है उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ ग्राफिक्स uh, की टाइप्स के बारे में जानना होगा ठीक है यहाँ पे अगर आप देखो रास्टर वर्सेस वेक्टर ये बहुत ज्यादा हम लोग यूज करेंगे ठीक है अब वैक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं ये आपको देखना होगा कि वैक्टर ग्राफिक्स जो होंगे आर मेड अप ऑफ पाथ्स एंड कर्व्स जस्ट लुक एट दिस तो so, यहाँ पर देखिए ये आपको बता रहा है कि रास्टर ग्राफिक्स मेड अप ऑफ पिक्सल जब आपका कोई फोटो आप कैप्चर करते हैं ठीक है जब आप उसको जूम करते हैं तो आप देखेंगे वो छोटे छोटे इस तरह से बॉक्सेस में नजर आता है ठीक है तो उसका मतलब है वो रास्टर बेस्ड ग्राफिक है थीके? तो कोई भी ऐसा ग्राफिक जो पिक्सल से मिलकर बने स्मॉल स्केयर बॉक्सेस से मिलकर बने उसको हम लोग रास्टर ग्राफिक कहते हैं ठीक है तो दूसरी टाइप की ग्राफिक्स हैं जो हम लोग इलेटर में ड्रॉ करेंगे मोस्टली वो कहलाते हैं वेक्टर ग्राफिक्स वेक्टर hmm? ग्राफिक्स आर मेड अप ऑफ पाथ्स एंड लाइंस ओके मैथमेटिकल कर्व्स एंड लाइंस राइट सो वेक्टर ग्राफिक्स आर मेड अप ऑफ मैथमेटिकल कर्व्स एंड लाइंस जबकि रास्टर ग्राफिक्स हमारे पास ये पिक्सल से मिलकर बनते हैं पहला तो आपने ये याद रखना है कि वैक्टर जो बनते हैं वो ग्रा... अ कर्व लाइन से और बेस्ट फॉर लोगोस टाइप एंड जोमेट्रिक डिजाइन और रास्टर ग्राफिक्स बेस्ट फॉर फोटोग्राफ्स ठीक है उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर जो है कि इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है जो रास्टर ग्राफिक्स होते हैं ना ये स्केलेबल नहीं होते रिसाइजेबल नहीं होते एडिटेबल नहीं होते ठीक है एक दफ़ा जो साइज़ आपने बना दिया तो वही साइज़ गुड क्वालिटी में रहेगा जैसे ही आप इसका साइज ज्यादा करेंगे ठीक है तो वो क्वालिटी लूज कर जाएगा ठीक है तो रास्टर ग्राफिक्स आर नॉट 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 स्केलेबल, नाट एडिटेबल, राइट तो जो एक दफा आपने बना दिया वही साइज रहेगा उसी साइज पे उसकी क्वालिटी सही रहेगी जैसे ही आपने उसको खींचा बड़ा किया तो वो या छोटा किया तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी जैसे आप फोटोज हैं ठीक है थीके? आप फोटोज जो है जब आप कैमरा से लेते हो लो रेजोल्यूशन कैमरा से जब आप उसको बड़ा करते हो तो उसकी पिक्सल्स फट जाते हैं ठीक है वो पिक्सलटिड हो जाता है क्योंकि वो रास्टर बेस्ड है लेकिन वेक्टर में ऐसे नहीं है वेक्टर में आप कोई भी चीज जब बनाओगे उसको चाहे जितना मर्जी बड़ा कर लो ठीक है उसकी क्वालिटी लूज नहीं होगी ठीक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दो डिफरेंस आपने याद रखने हैं रास्टर्स ग्राफिक्स मेडअप ऑफ पिक्सल्स वैक्टर ग्राफिक्स मेडअप ऑफ मैथमेटिकल्स एंड लाइन वैक्टर ग्राफिक्स आर स्केलेबल ठीक है रास्टर ग्राफिक जब हम क्लाइंट को शेयर करते हैं डिजाइन तो हम कोशिश करते हैं पहले उसको राष्ट्रिक्स ताकि वो एडिट ना कर सके ठीक है जो साइज हम दे उसी साइज पे रिजल्ट ठीक हो उसको ज्यादा रिसाइज ना कर सके तो वैक्टर फाइल या नेटिव फाइल या एडिटेबल फाइल हम एट द एंड प्रोजेक्ट कम्प्लीट होने के बाद ठीक है आप शेयर कर सकते हैं अगर क्लाइंट को चाहिए तो ठीक है उसके बाद हम लोग इलिस्ट्रेटर स्टार्ट करते हैं ठीक है इलिस्ट्रेटर में हम लोग वैक्टर ग्राफिक्स पे ज्यादातर काम करते हैं ठीक है हम लोग इसमें ड्रॉ करेंगे आर्टवर्क लोगोस ठीक है जोमेट्रिकल शेप्स लाइन्स कर्व्स वैक्टर ग्राफिक्स में यह है कि अगर आप छोटा सा डिजाइन भी बनाएंगे ठीक है तो आप उसको जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं ठीक है थीके? वो क्वालिटी उसकी डैमेज नहीं होगी ठीक है तो ये जैसे ही आप इलिस्ट्रेटर ऑन करेंगे इसको कहते हैं वेलकम स्क्रीन ठीक है जो पहली स्क्रीन आती है होम स्क्रीन और वेलकम स्क्रीन यहाँ पर आपके पास रीसेंट फाइल्स हैं जिन पर आप लोग काम कर रहे थे अभी ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उसका आइकन है यहाँ पे उसका नाम है वीडियो बैनर्स यहाँ पे उसका साइज भी है 348 फोर्टी एट एम यहाँ पर नाम और टाइप ए आई मीन फाइल जो एडोबी इलिस्ट्रेटर की फाइल की एक्सटेंशन होगी वो ए होगी एडोबी इलिस्ट्रेटर कोई भी फाइल आप जब देखोगे राइट क्लिक प्रॉपर्टीज वहां पर ए आई होगा तो वो एडोबी की फाइल है रीसेंट फाइल्स आप इधर क्लिक भी कर सकते हो ठीक है ये आपके पास लिस्ट प्रीव्यू शो करवाएगा ठीक है रीसेंट फाइल का ये आइकन प्रीव्यू शो करवाएगा ठीक है अगर आप कोई भी फाइल को एडिट करना चाहते हो ठीक है जो कि आप पहले से जो है ओपन थी उसको आप जस्ट क्लिक करोगे तो आप उसको मोडिफाई कर सकते हो एडिट कर सकते हो ठीक है तो ये तो हो गया कि जो अगर आपके पास पहले से कोई फाइल अवेलेबल है रिसेंट फाइल्स में उसको आप ओपन एडिट कर सकते हो उसके बाद हम वापस होम स्क्रीन पे जाना है तो होम बटन को क्लिक करेंगे आप वापस होम स्क्रीन पर आ जाएंगे ठीक है उसके बाद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो डिजाइन में हम कंसीडर करते हैं वो है साइज ऑफ द डिजाइन साइज ऑफ द आर्ट बोर्ड और ड्राइंग बोर्ड ठीक है कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले आप ड्राइंग बोर्ड लेते हो ना ठीक है ड्राइंग बोर्ड का साइज जो है वो पहले आप देखते हो कि क्या साइज होगा ठीक है डिफरेंट डिजाइन है सबसे पहली जो चीज है वो बनानी है आपने आर्ट बोर्ड का साइज यहाँ पे कुछ प्री सेट्स है जैसे कि ए फोर है ए फोर नाम है ठीक है ये उसकी डायमेंशन है टू टेन बाई टू नाइन सेवन एम 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 मीन मिलीमीटर पोस्ट कार्ड है वेब लार्ज so ये सारे अगर आप इस पर क्लिक करोगे ठीक है क्लिक करने के बाद वो आपको न्यू आर्ट बोर्ड दे देगा ये इस आर्ट बोर्ड का जो साइज है वो ए फोर है ठीक है सेव फोटो कॉपी पेज ओके वापस जाते हैं होम स्क्रीन पर ठीक है आप मैनी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं पोस्ट कार्ड क्लिक करेंगे ये क्रिएट हो जाएगा और जैसे जैसे आप क्रिएट करते जाएंगे सेपरेट डॉक्यूमेंट विंडो यहाँ पर बनती जाएगी ठीक है अगर किसी भी डॉक्यूमेंट विंडो पर राइट right क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे उसको क्लोज करना है क्लोज ऑल सारे क्लोज हो जाएंगे मूव टू न्यू विंडो न्यू डॉक्यूमेंट भी यहां से क्रिएट कर सकते हैं ओपन डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं मैं फिलहाल क्लोज ऑल कर देता हूं ठीक है नो नीड टू सो आई बी बैक ओके सो नाउ व्हाट फॉर एग्जांपल आपको अब ये A4 साइज नहीं चाहिए हम आपको कोई कस्टम साइज जैसे A5 साइज है हम या बिजनेस कार्ड का साइज चाहिए जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे फिर हमें वो साइज खुद से बनाना होगा उस साइज को डिफाइन करना होगा साइज डिफाइन करने के लिए आप कस्टम साइज में जाओगे आप कहोगे कि मुझे इनमें से कोई भी साइज नहीं चाहिए वो अवेलेबल नहीं है जो मैंने क्रिएट करना है लाइक दिस साइज ए फाइव और हाफ ऑफ ए फाइव तो फिर क्या करेंगे फिर हम लोग कस्टम साइज पे जाएंगे कस्टम साइज पे जाने के बाद यहाँ पर हम अपनी मर्जी से उसकी डायमेंशन वगैरह सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं कस्टम साइज पे क्लिक करोगे या क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे ठीक है फिर भी सेम डायलॉग बॉक्स आएगा या फाइल में जाके न्यू पेक्ट करेंगे या कंट्रोल एन की भी आप यूज कर सकते हो और इसके बाद ये हमारी प्रॉपर्टीज आ ठीक है अगर आपको पेज साइजेस नहीं पता तो गूगल से पूछ लेते हैं गूगल बहुत इंटेलिजेंट है ठीक है यहाँ पर आपने लिखा है पेज साइज तो यहाँ पर आपको सारे पेज साइजेस बता देगा बींग ग्राफिक डिजाइनर आपको सारे पेज साइजेस पता होना चाहिए हु? सबसे बड़ी जो शीट अवेलेबल है मार्केट में जो प्रिंटिंग प्रेस पर होती है वो आपके पास ए A0 जीरो है A0 का हाफ A3 ए वन है ये मोस्ट यूज है ए so थ्री ज्यादातर बड़े ऑफिस में ऑटो कैट ड्राइंग्स प्रिंट वगैरह करने के या कुछ लोग ए थ्री पे प्रिंट करके उसको फोल्ड कर देते हैं जैसे ये <coughs> ए थ्री इसको अगर आप फोल्ड करेंगे तो ये ए फोर सेम एम फोटो कॉपी मिलीमीटर इंचेस में साइजेस हैं ठीक है ये ग्राफ पेपर आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने फोन में और आपको ये साइजेस जो है ना वो याद होने चाहिए ठीक है अब हम इधर से ए फाइव का साइज मिलीमीटर mm में भी है इंचिस में है ये हम बनाएंगे ठीक है देखते हैं कैसे बनाते हैं वापस आते हैं हम लोग इलस्ट्रेटर में ठीक है यहाँ पर अब हमें यहाँ से कोई साइज नहीं चाहिए ए फाइव हमने बनाना है ठीक है लेकिन यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है तो देखते हैं कैसे बनाएंगे कस्टम पे आप क्लिक करोगे यहां पर आप सबसे पहले नाम दोगे जैसे कि कोई फ्लायर है हम बनाने लगे ठीक है अब एक चीज आती है प्रोफाइल इसमें प्रिंट है वेब मोबाइल फिल्म जैसे ही आप ये चेंज करते हो कुछ चेंजेस होंगे ठीक है नीचे देखते हैं क्या प्रिंट अगर आपने लिया क्या चेंज हुआ यहाँ पर आपकी वेट और हाइट और पहला फोकस करें यूनिट पे प्रिंट लिया यूनिट हुआ पॉइंट्स और कलर मोड हुआ सी एम वाई के रेजोल्यूशन हुई थ्री हंड्रेड ठीक है उसके बाद अगर आप जाते हैं वेब पे तो यूनिट्स चेंज हो गए पिक्सल्स में कलर आठ जीबी में ठीक है हो गया और रेजोल्यूशन सेवनटी टू में ठीक है अब हम देखते हैं कि एक्चुअली है क्या आप दो मीडिया के लिए काम करते हैं डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया स्क्रीन मीडिया और प्रिंट मीडिया ठीक है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी ठीक है तो अगर आप कर रहे हैं काम फॉर द प्रिंट मीडिया तो आप यूनिट्स यहाँ पे पॉइंट्स ले सकते हैं ले सकते हैं मिलीमीटर सेंटीमीटर एग्जाम्पल मोस्टली यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर में काम करते हैं ठीक है तो आपने प्रिंट मीडिया ठीक है प्रिंटिंग आपने प्रिंट करवाना है फ्लायर ठीक है तो आप क्या करेंगे यहाँ से प्रिंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप लोग यूनिट जो है ना आप सेंटीमीटर कर देंगे ठीक है उसके बाद कलर मोड प्रिंट के लिए सी एम वाई के ही होता है रेजोल्यूशन हम थ्री हंड्रेड यूज करते अब आप पूछ सकते हैं सी एम वाई के क्या है ठीक है तो गूगल से पूछ लेते हैं ठीक है सी एम वाई के सी एम वाई के एक्चुअली कलर मोड है ठीक है फोर कलर ये चार कलर मिलकर जो है ना वो सारे कलर्स बनाते हैं प्रिंटिंग फील्ड में ठीक है सायान सी फॉर सायान एम फॉर मेजेंटा वाई फॉर येलो एंड यहां पर के फॉर ब्लैक है ठीक है अब आप कह सकते हैं कि हम यही कलर मोड प्रिंटिंग के लिए क्यों यूज करते हैं ठीक है अगर आपको जो है वो बिलीफ नहीं है तो आप जरा यहाँ पर एक चीज लिख लें ठीक है आप लिख लें प्रिंटर इंक हुँ? प्रिंटर कलर इंक ये देखिए ठीक है तो आपके सारे जो प्रिंटर हैं या प्रिंटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो चार कलर्स की इंक ही यूज करते हैं जितने भी कलर हम्म लुकसायन मेजेंटा येलो एंड ब्लैक ठीक है इसीलिए हम लोग जब डिजाइन करते हैं प्रिंटिंग के लिए तो हम सी एम वाई के कलर मोड यूज करते हैं ताकि जो हम यहाँ पर यूज करें सेम वही जो है ना वो प्रिंटर भी उसको रीड करें और सेम डिजाइन प्रिंट हो ठीक है तो आप जहन में रखेंगे प्रिंट के लिए हम लोग सी एम वाई के कलर मोड यूज करेंगे ठीक है और यूनिट आप सेंटीमीटर इंचिस फीट मीटर कोई भी यूज कर सकते हो क्योंकि प्रिंटिंग के साइज पे डिपेंड करता है अगर आप काम कर रहे हो डिजिटल मीडिया के लिए लाइक फेसबुक यूट्यूब इंस्टा व्हाट्सएप आप प्रिंट नहीं करना चाहते स्क्रीन के लिए फिर आप यहां से चूज कर सकते हो वेब और मोबाइल और कोई भी हुँ? लेकिन जो जहन में रखने वाली चीज है वो है यूनिट्स स्क्रीन का साइज हमेशा पिक्सल्स में मयर किया जाता है ठीक है पिक्सल्स में तो जब भी आप स्क्रीन के लिए काम करोगे डिजिटल मीडिया के लिए यूनिट पिक्सल्स में कंसीडर करोगे और कलर मोड होगा आर रेड ग्रीन एंड ब्लू ठीक है और रेजोल्यूशन आप रखेंगे क्योंकि हमें स्क्रीन पे अपलोड करने के लिए डिजिटल मीडिया पे फाइल का साइज कम चाहिए होता है ठीक है लेकिन प्रिंटिंग का क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है इसलिए हम थ्री हंड्रेड पीपीआई रखते हैं ठीक है थीके? लेकिन हमले प्रिंटिंग के लिए काम करना है तो हम प्रिंट पे जाएंगे ठीक है यहाँ से यूनिट्स हम लोग सेंटीमीटर करेंगे साइज रेजोल्यूशन थ्री हंड्रेड कलर मोड सी एम वाई के हुँ? अब हमें साइज बनाना है ए फाइव का ठीक है अब ए फाइव का साइज हमें नहीं पता हम पता कर लेते हैं ठीक है अभी हमने सर्च किया था ए फाइव का साइज तो यहाँ पर ए फाइव का साइज यहाँ पर इंचिस में भी दिया हुआ है मिलीमीटर में भी दिया हुआ है ठीक है तो आप यहाँ पर हम लोग ये ए फाइव का साइज हमें दिया है एट पॉइंट थ्री

So, आप लिख दोगे, so, कर देगा उसको ठीक है सेंटीमीटर में और उसके बाद हमारे पास जो उसकी हाइट है एट पॉइंट थ्री यहाँ पे हम लोग एट पॉइंट थ्री तो कोई भी साइज आप इस तरह से गूगल पे सर्च कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर लिख सकते हैं अब हमारे पास साइज उसका आ गया ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन लैंडस्केप ओरिएंटेशन भी यूज कर सकते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में विथ कम होती है हाइट ज़्यादा है आ, लेकिन अब जो है लैंडस्केप बहुत कम यूज करते हैं ठीक है ये ओल्ड फैशन हो चुकी है ओरिएंटेशन लेकिन अब मोस्ट पहले हम सर्टिफिकेट्स में यूज करते थे ज़्यादातर लेकिन अब हम पोर्ट्रेट ही यूज करते हैं हर जगह पर ब्लीड जो है ये प्रिंटिंग कटिंग मार्जिन होता है ठीक है अगर आप रखना चाहते हैं अगर आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं क्योंकि जब आप एक्चुअल डिजाइन है अगर आप चाहते हो एक्चुअल डिजाइन खराब ना हो जब मैं प्रिंटिंग प्रेस पर भेजूं और उनको कटिंग मार्जिन दे दें कि यार इधर से आपने डिजाइन कट करना है तो वो आप ज्यादा से ज्यादा तीन मिलीमीटर mm, वन एम mm एम से शुरू कर सकते हो ठीक है टू थ्री एम एम तो हम इसको रख लेते हैं नॉर्मली नहीं रखते हम जब हम अपने लिए काम करें लेकिन प्रिंटिंग करनी है तो वन पॉइंट जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर सी एम आई के कलर मोड है प्रिंटिंग के लिए ठीक है और इधर से आपके पास ही हाँ एक और अगर नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड मीन कितने चाहिए अभी हमें एक ही चाहिए फ्रंट अगर आप फ्रंट और बैक दो करें दो कर देंगे ठीक है उधर से स्पेस है यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं बिटवीन टू आर्ट बोर्ड दो आर्ट बोर्ड के दरमियान कितनी स्पेस हो वो कर सकते हैं और कॉलम्स कितने हो? अगर दो पेज है हम दो कॉलम में ही उन्हें शो करवाना चाह रहे हैं एक कॉलम में भी करवा सकते हैं वो फिर ऊपर नीचे शो होंगे ठीक है आपकी अपनी मर्जी है आप यहां से ओके okay कर दें ये देखें नो न्यू हमें दो ए फाइव साइज के आर्टबोर्ड क्रिएट हो चुके हैं ठीक है यहाँ पर ये यह जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है ठीक है इसको कहते हैं ब्लीड यहाँ से ये यह एक मिलीमीटर mm है तो डिजाइन हम यहाँ तक बनाएंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल डिजाइन हम यहीं तक बनाएंगे इस तरह से ठीक है लेकिन जब वो कट करेगा तो कट इधर से करेगा वन मिलीमीटर mm डिस्ट तो ये हमारा एक्चुअल डिजाइन सेव रहेगा ठीक है अच्छा तो इस तरह से ये तो हमने सीखा कि नया डॉक्यूमेंट एडोबी एडोबेटर में किस तरह से क्रिएट करना है होम स्क्रीन पे वापस आ जाते हैं ठीक है तो इसी तरह से आप बहुत ज्यादा कस्टम इधर से अगेन जितने आप चाहते हैं क्रिएट कर सकते हैं ठीक है अच्छा ये पहले हमने ये दो क्रिएट किए थे फिर हमने ये क्रिएट लिए यहां पर बहुत सारे आप क्योंकि मल्टी फंक्शन है तो आप काफी सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं ठीक है अच्छा उसके बाद ये जो अब आपके सामने डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद जो चीज आई है सामने इसको कहते हैं इंटरफेस ऑफ एलिस्ट्रेटा इसको कहते हैं इंटरफेस ठीक है इसमें इंटरफेस में इंटरफेस को जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप काम करना चाहते हैं सेम अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं जब तक आप उसको उसका प्लान का नहीं पता होगा ठीक है कौन सी जगह किस चीज़ के लिए है, आप वहाँ पर स्टक हो जाएंगे सेम इसी तरह से अगर आपने इस सॉफ्टवेयर में काम करना है तो इसकी हर चीज़ के बारे में आपको पता हो ताकि उसको आप उस नाम से एड्रेस कर सकें उसको यूज़ कर सकें सबसे पहला जो है हमारे पास एडोबी एडोबीस्टेटेड का आइकन है इसको एप्लीकेशन आइकन कहते हैं ए आई यहां से पता चलता है कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है ठीक है उसके बाद होम बटन है आप होम बटन से वापस होम स्क्रीन पर आ सकते हैं दोबारा क्लिक करोगे वापस आ जाओगे हु? उसके बाद ये जो है हमारे पास मेन्यू बार है ड्रॉप डाउन मेन्यू बार यहाँ से हम मेन्यूज यूज करेंगे ठीक है डिफरेंट ऑप्शन है मेन्यू के नीचे जो है इसको कहते हैं प्रॉपर्टी बार हम्म प्रॉपर्टी बार जो कि प्रॉपर्टीज शो करवाएंगी जो भी टूल हम टूल बॉक्स से सेलेक्ट करेंगे तो ये है हमारे पास टूल्स ठीक है अच्छा जैसे ही आप इधर से टूल सेलेक्ट कर रहे हैं कोई भी टूल ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज एक तो ये प्रॉपर्टी बार शो कर रही है दूसरा ये प्रॉपर्टी पैनल भी शो कर रहे हैं सो प्रॉपर्टीज पैनल प्रॉपर्टी बार और टूल बॉक्स इन तीनों का लिंक है आपस में ठीक है तो प्रॉपर्टीज पैनल और प्रॉपर्टी बार फॉलो करती है टूल बॉक्स को टूल बॉक्स पे आप कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टीज पैनल और प्रॉपर्टी बार उसकी प्रॉपर्टीज आपको शो करवाते हैं जो कि हम वन बाय वन पढ़ेंगे हुँ? इसको टूल बॉक्स कहते हैं और हर टूल का एक नाम है ठीक है जैसे आप ओवर ओवर करोगे उसके ऊपर तो वो आपको उसका नाम शो करवाएगा जैसे इसका नाम है सिलेक्शन टूल इसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ठीक है ये आप याद करोगे ठीक है और इसके बाद जो है हर टूल की शॉर्टकट की भी आगे ब्रैकेट में लिखी हुई है एसोसिएटेड शॉर्टकट की जो इसके साथ है अभी एग्जाम्पल पेन टूल आपके पास इसकी जो एसोसिएटेड शॉर्टकट की है वो है पी जो कि ब्रैकेट्स में ठीक है उसके बाद कर्वेचर टूल है इसकी शॉर्टकट की आपके पास shift और है हु? तो इस तरह से आप ना सिर्फ इसकी जो है शॉर्टकट की याद करोगे ठीक है टूल का नाम भी ठीक है उसके बाद ये जो व्हाइट एरिया है आपका इसको आउटपुट कहते हैं ठीक है थीके? जो कुछ भी आप इस व्हाइट एरिया पे ड्रॉ करोगे वो प्रिंट कर सकते हो एक्सपोर्ट कर सकते हो ठीक है ड्रॉ आप कहीं भी कर सकते हो पूरे ड्राइंग बोर्ड पे इधर इधर कहीं भी तो क्या इस इसका क्या फंक्शन हुआ आर्ट बोर्ड का जो आप इस पे ड्रॉ करोगे वो एक्सपोर्ट होगा ठीक है प्रिंट होगा ठीक है जो आउटसाइड एरिया होगा वो प्रिंट नहीं होगा ठीक है अच्छा उसके बाद नीचे आ जाते हैं आर्ट बोर्ड के बाद ये जो आपके नीचे नजर आ रही है इसको स्टेटस बार कहते हैं यहाँ पे स्क्रोल बार्स भी हैं स्टेटस बार पे इधर से आप स्क्रोल कर सकते हो पेज को लेफ्ट right, और राइट और इधर से स्क्रोल कर सकते हो अप एंड डाउन ठीक है यहाँ पर हमारे पास जूम कंट्रोल भी है इधर से आप पेज को जूम जूम कर सकते हो हो ठीक है अगर ज्यादा गया तो आप फिट ऑन स्क्रीन करोगे तो वो पेज फिट हो जाएगा स्क्रीन पर ठीक है बहुत दफा हम लोग ज्यादा जूम कर देते हैं इस तरह से तो फिर हम लोग परेशान होते हैं तो आप क्या करोगे इधर से सिर्फ फिट टू तो स्क्रीन कर दोगे ठीक है अगर आप नेविगेट करना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट में शॉर्टकट कीज भी हम यूज करते हैं अगर आप जो है ये स्क्रोल व्हील यूज करोगे माउस से तो स्क्रोल व्हील को ऊपर और नीचे घुमाओगे तो आप स्क्रोल कर सकते हो पेज को ऊपर नीचे अगर आप कीबोर्ड से जो है वो कंट्रोल की होल्ड करो और स्क्रोल व्हील लेफ्ट और राइट right स्क्रोल करने के लिए यूज कर सकते हो ठीक है अगर आप ऑल्ट कीबोर्ड से दबाओगे और स्क्रोल व्हील को यूज़ करोगे तो आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो ठीक है इसको कहते हैं नेविगेशन अगर आपने पेज को पैन करना है ठीक है तो आप स्पेस बार दबाओगे और ठीक है और लेफ्ट क्लिक तो आप स्क्रीन को पैन कर सकते हो ये ठीक है उसके अलावा आप इधर से भी टूल यूज कर सकते हो जिसको जूम टूल कहते हैं इधर से जूम इन, जूम आउट कर सकते हो ठीक है जस्ट जूम टूल लो और उसके बाद आप इधर से क्लिक करके जूम इन और पैन टूल इधर से आप हैंड टूल भी ले सकते हो स्क्रीन को पैन कर ठीक है इसको कहते हैं किस तरह से नेविगेशन आप ये हमारे पास पैनल्स हैं इनको पैनल्स कहते हैं कलर पैनल कलर गाइड पैनल ब्रशेस सिंबल्स ठीक है है ये ये सारे पैनल्स भी हम पढ़ेंगे तो नेविगेशन इन आफ्टर ओपनिंग उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है वर्क स्पेस मैनेज करना हु? अभी ये जो आपको इस टाइम आपको नजर आ रहा है कि कलर पैलेट यहाँ पर है कलर गाइड पैनल यहाँ पर है ठीक है प्रॉपर्टीज पैनल इस जगह पर है टूल बॉक्स यहाँ पर है ये जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है ना इसको कहते हैं वर्क स्पेस

कम टूल दिखाएगा ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो सेम वर्क स्पेस में जाएंगे यहाँ से अगर आपने कहा पेंटिंग वर्क करना है मुझे सिर्फ वो टूल्स दिखाओ जो कि पेंटिंग में काम आते हैं तो ये आपको वही टूल्स दिखाएगा जो पेंटिंग में काम आते हैं आप ये डबल एरो से पैनल्स को एक्सपेंड कर कर सकते हैं, like this, कर सकते हैं हैं लाइक दिस कोलैप्स ठीक है जब आप फर्स्ट टाइम इलस्ट्रेटर लॉन्च करते हो ठीक है न्यू इंस्टॉलेशन के बाद तो आपके पास वर्क स्पेस जो है वो ये वाली होती है जिसको कहते हैं एसेंशियल ये बिगनर वर्क स्पेस है ठीक है है बहुत कम टूल इधर नजर आते हैं प्रॉपर्टी बार भी ऊपर नहीं है यहाँ पे पैनल्स भी कम है ये बहुत बिगनर्स के लिए है जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे इस तरह से होगा तो अब सवाल ये है कि हमें कौन सी वर्क स्पेस फिर यूज करनी चाहिए हु? जिसको हम ऑल परपज वर्क स्पेस कहते हैं ये सारे काम उसमें एडवांस्ड वर्क स्पेस ठीक है हमें बार बार वर्क स्पेसिस डिफरेंट कामों के लिए नहीं चेंज करनी हमें सिर्फ ऐसे वर्क स्पेस चाहिए जिससे हम सारे काम कर सकें उसको हम लोग कहते हैं एसेंशियल एसेंशियल क्लासिक क्लासिक तो आप यूज करोगे ठीक है एसेंशियल क्लासिक में आपको वो बहुत सारे टूल्स दिखाएगा ठीक है प्रॉपर्टी बार होगी काफी सारे पैनल्स होंगे इसको एडवांस्ड वर्क स्पेस कहते हैं अगर आपसे पहले कोई और इसको यूज करे तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं विंडोज में जाएंगे वर्क स्पेस और इसको रीसेट एसेंशियल क्लासिक तो ये इस तरह से होगी ठीक है

इधर आपने रख लिया इसको आपने यहाँ रख लिया ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपको ये लेआउट पसंद है ये अरेंजमेंट पसंद है आप कलर यहाँ रखना चाहते हो ठीक है आप लेयर्स यहाँ रखना चाहते हो ठीक है इस तरह से तो ये भी आप डॉक अनडॉक कर सकते हो अब आपने कहा यार मुझे ये बार बार नहीं करना मैं इसको अपने नाम से सेव कर दूँ ताकि मैं जब भी आऊं इसको यूज कर सकूँ तो वहीं से जाएंगे ये वर्क स्पेस को आप सेव कर सकते हो वर्क स्पेस यहां पर आप लिखोगे न्यू वर्क स्पेस ठीक है यहाँ पे आप कोई भी अपना नाम ए बी सी ठीक है वर्क तो ये आप यहाँ पे यूज कर लोगे तो अब ये जो सेटिंग आपने की है ये इसको सेव कर देगा ठीक है जब भी आप आओगे इसको ओपन करोगे तो ये वाली ओपन हो जाएगी ठीक है अच्छा अब मैं दोबारा से जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप एसेंशियल लें ठीक है अब आप दोबारा अपनी वर्क स्पेस पे जाना चाहते हैं वर्क तो स्पेस और यहाँ से आप देखेंगे ये यहाँ पे शो करवा रहा है ए बी सी वर्क स्पेस क्लिक करें देखें ठीक है जो आपने सेव की थी वो आ गई तो ये आप अपनी वर्क स्पेस भी डिजाइन कर सकते हैं ठीक है

अब इन पैनल डबल एरो पे क्लिक करके मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ इसको भी मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ ठीक है और इधर से आप फिट टू स्क्रीन कर देते हैं ये है अब आपके पास ड्राइंग ठीक है अब हम करते हैं स्टार्ट ड्राइंग कि किस तरह से हमने ड्राइंग बनानी है ड्राइंग बनाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे शेप टूल से यहाँ पर शेप टूल्स हैं जिसको हम रेक्टेंगल टूल कहते हैं और इस पर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको इसके अंदर काफी टूल्स मिलेंगे जैसे आपने रेक्टेंगल टूल लिया और क्लिक किया एक दफा तो वो आपसे डायमेंशन पूछेगा कितनी डायमेंशन आपको चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस कार्ड बना रहे हैं ठीक है तो मुझे इन चीज़ में अगर याद है तो थ्री पॉइंट फाइव आई एन लिखूंगा वो मिलीमीटर में खुद कन्वर्ट कर देगा ठीक है और यहाँ पे आप दो टू इंच लिखें और इसको ओके करें तो ये आपको बिजनेस कार्ड का साइज मिल जाएगा ठीक है अगर इस साइज को चेंज करना है तो आप चेंज प्रॉपर्टी बार से भी कर सकते हो प्रॉपर्टी पैनल से भी कर सकते हो ये डब्ल्यू जो यहाँ लिखा हुआ है इसको विथ्थ है एच फॉर हाइट यहाँ से आप अगर चेंजेस करना चाह रहे हो हंड्रेड मिलीमीटर mm, और यहाँ पे आप सिक्सटी मिलीमीटर mm चेंज कर सकते हो हुँ? आप मैनुअल भी चेंज कर सकते हो इसको क्लिक और ड्रैग करोगे ठीक है आप एरो पे ये इधर से डायमेंशन चेंज जैसे ही आप चेंज कर रहे हो प्रॉपर्टी पैनल में और प्रॉपर्टी बार में वो शो करवा रहे हैं ठीक है ये तो एक तरीका है राइट right क्लिक करते हैं शेप टूल पे रेक्ट राउंड रेक्ट ठीक है अगर आप क्लिक करके डायमेंशन से नहीं बनाना चाह रहे तो आप फ्री हैंड भी बना सकते हो जस्ट क्लिक एंड ड्रैग ठीक है फिर आपने लॉन्ग प्रेस करके भी आप ले सकते हो इलेप्स टूल लाइक एलिप्स बना सकते हैं ठीक है इधर से अगर आप बनाना चाह रहे हैं पोलिकॉन तो इधर से पोलिकॉन बना सकते हैं ठीक है यहां पर एक चीज आपने नोट की होगी यहाँ पे कोई स्क्वेयर टूल नहीं है सर्कल टूल नहीं है हुँ? अगर आपने एकट सर्कल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे है? अभी सर्कल नहीं बनना। अच्छा एक तो तरीका ये है जब आप बना रहे हैं तो आपको ये कुछ पिंक देखिए स्मार्ट गाइड्स कहते हैं रेफरेंसेस के लिए इस्तेमाल होती है अगर ये स्मार्ट हैं, नहीं मेक कर लें। स्मार्ट गाइड्स कंट्रोल यू ये ऑन हो ये ऑन होगी तो ही आप इजीली ड्रा कर सकते हैं विद रेफरेंस टू आपको अगर इक्वल है तो इसका सिंपल फॉर्मूला है आप वाइल ड्राइंग शिफ्ट प्रेस कर दे की बोर्ड से तो अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे वो उसकी हाइट ऑर्बिट को लॉक कर देगा हम्म और प्रपोर्शन को सेम रखेगा ये

तो अब आपने काम क्या करना है सबसे पहले आपने टूल चेंज करना है ठीक है परफेक्ट जो है प्रोफेशनल वही होता है जो राइट टूल्स को राइट जॉब के लिए इस्तेमाल करते हैं अब आप शेप टूल अब आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उसको मूव करना है तो आप यही टूल तो नहीं सिलेक्ट करोगे टूल चेंज करना होगा हुँ? उसके लिए आपको सिलेक्शन टूल लेना है सिलेक्शन टूल मेन टूल है हम इसको बार बार यूज करेंगे ठीक है सिलेक्शन टूल का काम क्या है सबसे पहला ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है लाइक दिस हुँ? किसी भी ऑब्जेक्ट को करने के लिए आप सिलेक्शन टूल लेते हो उसको मूव करने के लिए क्लिक होल्ड हो, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसाइज करते हो ठीक है जैसे ही आप कर्सर उसके एंड पर लेकर जाते हो बॉर्डर के और आपको बॉन्डिंग बॉक्स के कंट्रोल्स दिखाता है जिसकी मदद मतलब से हम उसको रीसाइज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चौथा जो फंक्शन है आप कॉर्नर पे जाओगे आप ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हो तो सिलेक्शन मूवमेंट रिसाइज एंड रोटेट ठीक है तो ये फंक्शन है आपके सिलेक्शन टूल के सिलेक्ट करते हैं इसको आप डिलीट कर देपल हम्म अब सिलेक्ट करने के बाद अब देखते हैं हम लोग कलर हमने ऑब्जेक्ट्स में कैसे फिल करने हैं ठीक है कलर फिल करने के लिए आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे यहाँ पर कलर पैलेट में ठीक कलर पैनल किसी भी कलर पे क्लिक करोगे वो कलर फिल हो जाएगा इधर आए आप स्वेचिस पैनल से भी कोई कलर पे क्लिक करोगे कलर फिल हो जाएगा हम्म तीसरा ऑप्शन आप प्रॉपर्टी बार से भी फिल कर सकते हो ठीक है इस इसपे अगर आप क्लिक करोगे ठीक है वो कलर फिल हो जाएगा ये ठीक है आउटलाइन इस पे क्लिक करोगे तो आउटलाइन का कलर चेंज होगा ठीक है अगर आप इसको जूम करें ठीक है ऑल्ट प्रेस करें और स्क्रोल व्हील से ये ऑब्जेक्ट जूम ठीक है अब आपको इसमें कितने कलर एक्चुअली नजर आ रहे हैं ठीक है इसमें आपको दो कलर नजर आ रहे हैं ठीक है एक तो है फिल कलर और दूसरा है आपका आउटलाइन कलर ठीक है फिल कलर है आपका ऑरेंज और आउटलाइन कलर है आपका ब्लू ठीक है अगर आपने फिल कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे ठीक है और आपने अगर आउटलाइन कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे ठीक है वो आप देखते हैं फिल चेंज करना है तो आप सिंपल इधर जाएंगे ये है आपका फिल होल्ड शिफ्ट की टू ब्रिंग ऑल्सो ऑल्टरनेटिव कलर इफ अगर आप शिफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको इधर से हम फर्दर उस कलर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ठीक है फॉर नाउ इफ यू क्लिक किया सो यहाँ पे आपको फिल कलर दिखाएगा तो किसी भी कलर पे क्लिक करोगे वो फिल कर देगा दूसरा कलर ये है आउटलाइन का कलर आउटलाइन बाउंड्री बॉर्डर एक इलिस्ट्रेटर में हम लोग उसको स्ट्रोक कहते हैं एस टी आर ओ के स्ट्रोक ठीक है यहाँ से इसको स्ट्रोक कहते हैं तो स्ट्रोक का कलर आप चेंज कर सकते हो अगर आपने क्या करना है अगर आपने करना है रिमूव फिल कलर हुँ? फिर क्या करेंगे रिमूव करने के लिए आप ये जो लाइन रेड कलर की नजर आ रही है इसपे क्लिक करेंगे ठीक है इस रेड लाइन पे क्लिक करने के बाद वो जो है वो रिमूव हो जाती है क्योंकि हम लोग आउटलाइन में थे आउटलाइन में फिल रिमूव करना है तो आप इसमें जाओगे और ये फिल अब ऑब्जेक्ट आप आपको बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा क्यों क्योंकि ना ही उसमें फिल है ना ही आउटलाइन है यहां देखो ठीक है यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में आप शुक्रवार अच्छा जो इलिस्टेटर की सबसे जो है आ, मुश्किल चीज कह सकते हैं मुश्किल तो नहीं लाइक मुझे नहीं पसंद आ, अगर फॉर एग्जांपल आपने लास्ट फॉर्मेटिंग जो की है अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करोगे वो उसी फॉर्मेटिंग को फॉलो करेगा जो एक दफा आपने की है हुँ? अब आप ड्रॉ कर रहे हो मे बी आप सोचो यार मैं तो ड्रा करो ये नजर क्यों नहीं आ रहे ऑब्जेक्ट अब जरा उसको क्लिक करके देखो आयर क्या उसमें कोई फिल है नहीं है तो आप उसका फिल चेंज करो ठीक है कोई है नहीं है करो ये। की आप यहां से चेंज कर सकते कितनी कितनी उसकी चाहिए, कितनी मोटाई चाहिए। मोटाई अच्छा किसी भी को नजर अगर नहीं आ रहा आपको ठीक है अगर ऑब्जेक्ट है तो व्यू चेंज कर लो व्यू में जाओ इधर से आउटलाइन कर दो आउटलाइन में जाने के बाद वो आपको जितने भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हुए हैं उनकी आउटलाइन दिखाएगा तो यहां से आप अगर इसको सिलेक्ट कर सकते हो देखो कोई फिल नहीं है कोई कलर नहीं है तो इधर से हम लोग उसमें फिल कर देते हैं अब व्यू दोबारा चेंज कर लो जेपी ठीक है तो ये है आप किस तरह से फिल कर सकते हो किस तरह से रिमूव कर सकते हो अच्छा उसके बाद आपको टूल बॉक्स में भी यहाँ पे फिल और स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज नजर आ रही है अगर आपको कलर खुद से कोई बनाना है इसको सिलेक्ट करें डबल क्लिक करें इस आइकन पर आपको कलर पिकर मिलेगा कलर पिकर में आप यहाँ से उस कलर की रेंज लाइक आपको येलो कलर बनाना है येलो का कोई और कलर तो येलो रेंज सेलेक्ट की यहां से आपने क्लिक होल्ड करना है इस तरह से ठीक है अब ये वाला आप करंट कलर बना रहे हैं ये देखें जो चेंज हो रहा है ठीक है पहला जो कलर सेलेक्ट है नीचे वाला है आप ये वाला बना रहे हैं ठीक है ये वाला कलर उसके बाद वो आपको हर कलर की क्वांटिटी बता रहा है ह्यू जो है इतना परसेंट है सेचुरेशन ब्राइटनेस आर जी बी राइट सी एम वाई के कलर परसेंटेज और ये जो है ये है कलर का कोड ठीक है अगर आपको इस कलर का नाम नहीं पता आप क्लाइंट को बत, कहना चाह रहे हो कि कौन सा कलर यूज करें तो ये वाला कोड उसको सेंड कर दो ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ठीक है तो कॉपी करने के बाद अब अगर मैं कोई और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ठीक है और मैं इसमें वही कलर फिल करना चाहता हूँ तो डबल क्लिक करोगे वो जो कोड था वो यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो ठीक है ये देखो सेम कोड यूज किया सेम कलर मिल गया ठीक है यहां से फिल कलर आप बना सकते हो यहाँ पर जो उसके बैक है वो है स्ट्रोक कलर डबल क्लिक करें यहाँ से आप स्ट्रोक कलर कोई भी दे सकते हो ठीक है ये स्ट्रोक कलर आ गया हुँ? अगर आप स्ट्रोक कलर और फिल कलर को स्वैप करना चाहते हो कि स्ट्रोक फिल बन जाए फिल स्ट्रोक तो यहाँ पर एक आपको ये एरो नजर आ रहा है टू हेडेड एरो इसका मतलब है स्वैप फिल एंड स्ट्रोक लाइक दिस सो तो इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है इसी के साथ शिफ्ट एक्स अगर आप शिफ्ट एक्स प्रेस करोगे ये देखो फिल आउटलाइन आउटलाइन फिल हुँ? जैसे कि मैंने आपको बताया लिस्टेटर लास्ट वैल्यू जो है लास्ट फॉर्मेटिंग उसको सेव रखता है हु? अगर आप कोई और ऑब्जेक्ट बनाओगे ये ठीक है वो सेम फॉर्मेटिंग जो की थी उसको फॉलो करेगा ठीक है अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हो लाइक ब्लैक एंड व्हाइट तो आप क्या करोगे आप इधर क्लिक करोगे रीसेट इसकी शॉर्टकट की है डी डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक इस पर क्लिक करोगे डिफॉल्ट फिल जो है व्हाइट और स्ट्रोक ब्लैक कर देगा अब आप जो भी ड्रॉ करोगे वो आपके पास डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक होगा ठीक है तो ये था आपका कि किस तरह से फिल शेप्स क्रिएट करनी है और किस तरह से उनमें कलर्स फिल और रिमूव करने है ठीक है चलो कोई असाइनमेंट बनाते हैं तो असाइनमेंट बनाने के लिए जो है uh, हम शेप टूल्स ही क्रिएट करेंगे तो जूम मैं ऑल्ट और स्क्रोल व्हील से कर रहा हूँ सेलेक्ट करके आप ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं एक और बात बताता चलूँ अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं ठीक है अब एक चीज़ आपने नोटिस की कि मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर रहा हूँ लेकिन वो इसका फिल कलर नहीं चेंज कर रहा ठीक है वो उसका आउटलाइन कलर चेंज कर रहा है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो आउटलाइन ऊपर है आपने ये एक दफ़ा क्लिक करके ठीक है इस प्रॉपर्टी को ऊपर कर देना ये रहे यह यहां से भी आप पैनल से भी कर सकते हो ये देखो अब फिल कलर चेंज होगा इसकी शॉर्टकट की जो है वो आपकी इन प्रॉपर्टीज को चेंज करने की ऊपर नीचे एक्स एक्स है ये देखो सिंपल तो आउटलाइन कलर यहां से चेंज किया एक्स दबाया फिल कलर ठीक है ये यह यहां से भी चेंज हो रही है वैल्यूज इधर से भी कर सकते हो ठीक है एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने आप ऐसे ड्रैक कर करके भी सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है मेक श्योर करें आपके पास सिलेक्शन ही हो क्लिक करें और शिफ्ट दबाएं कीबोर्ड से और क्लिक करें तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट दो सेलेक्ट होकर डिलीट हो देते हैं ठीक है अब हम फिट टू स्क्रीन करते हैं और हम अपनी असाइनमेंट बनाते हैं ठीक है असाइनमेंट बनाने के लिए सबसे हम ज्यादातर हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं ठीक है इधर से आप रेक्टेंगल टूल लोगे ठीक है और क्लिक और ड्रैग करोगे इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लोगे ठीक है रेक्टेंगल बनाने के बाद हमने क्या करना है हमने उसमें कलर फिल करना है अब हमें कलर जो है यहाँ से बहुत सारे तरीके कलर फैलते हैं ठीक है हम यहाँ से कोई कलर बना लेते हैं ठीक है यहाँ से कलर बनाने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये आपका डिजाइन कलर है अब हमें इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए ठीक है क्योंकि डिजाइन में आउटलाइन नहीं है तो आप इस इधर जाओगे और आउटलाइन को रिमूव कर दोगे ठीक है उसके बाद डिजाइन में एक और रेक्टेंगल है दोबारा रेक्टेंगल हो और इधर से आप बनाओगे ये पिंक लाइन आपको बताएगी कि आप सेंटर में पहुंच चुके हो ठीक है इधर से आप एक और कलर चेंज कर दोगे ठीक है कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की आपको पता है ठीक है आपने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया ठीक है और उसको आपको ये डुप्लीकेट चाहिए तो एडिट में जाओगे कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल सी हम्म में जाओगे कॉपी है कंट्रोल वी पेस्ट ये आपके पास पेस्ट हो गए तो ये आपके पास सेम कंटेंट आपको मिल गया इसका कलर चेंज कर दें ठीक है कोई और कलर हम इसको दे देते हैं लिटिल ठीक है उसके बाद जो शॉर्टकट मेथड है एडोबी टर में कॉपी करने का ऑब्जेक्ट को हुँ? आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है कीबोर्ड से ऑल्ट दबा देना है ऑल्ट दबाने के बाद उसको ड्रैग करना है तो वो आपका ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा हम्म अच्छा दूसरे डिजाइन में हम देखते हैं और क्या चीज है दूसरे डिजाइन में आख, जो है आपको हम एक रेक्टेंगल बनानी होगी ठीक है तो इस तरह से इसको हम लोग कोई और कलर दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल ये वाला हम्म अब इसको हम ऑल्ट एंड ड्रैग करके कॉपी कर लेते हैं ठीक है आप देख रहे हैं मैं सिर्फ रेक्टेंगल ही बना रहा हूँ इस तरह से ये और 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 कलर आप इसको दे देते हैं ठीक है है उसके बाद नीचे एक एक रेक्टेंगल 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 बनानी है। फिर हमने हमने लिया फिल करने के लिए एक रेक्टेंगल हमने बना ली ठीक है अब आपने इसमें ये वाला कलर फिल करना है।, है तो मेक श्योर sure करें ये आपने सेलेक्ट किया हुआ आई ड्रॉपर टूल लें और इधर से इस पे क्लिक कर दें तो सेम ये वाला कलर उसमें फिल हो जाएगा ठीक है उसके बाद ये वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगल ऑल्ट होल्ड करता हूँ ड्रैग करता हूँ और उसके बाद आप इसको ड्रैग कर दें, ठीक है आप सिलेक्शन करने के बाद उसको रिसाइज भी कर सकते हैं जैसे हमने देखा था तो ये आपका एक लेआउट बन चुका है ठीक है अब हम क्या करेंगे हम लोग इसमें जो है वो टेक्स्ट लिखेंगे ठीक है टेक्स्ट लिखने के लिए आप क्या करेंगे आप टेक्स्ट टूल लेंगे ठीक है टेक्स्ट टूल लेने के लिए आप टाइप टूल पे क्लिक करोगे ठीक है और एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करोगे ठीक है एक दफ़ा क्लिक करने के बाद आपको पॉइंट टेक्स्ट देगा या सिंगल लाइन टेक्स्ट, यहाँ पे आपने कोई भी टेक्स्ट लिख देता है ठीक है लाइक राइट एनी हेरिंग टेक्स्ट हियर, राइट एंटर करके नेक्स्ट प्रेस एंटर तो नेक्स्ट लाइन राइट तो इस तरह से तो इसको आपने लिख लिया लिखने के बाद सिलेक्शन टूल लोगे फिर हमने इसको करना है रिसाइज रिसाइज करने के लिए आप ऊपर से यहाँ से यूज कर सकते हो प्रॉपर्टी बार से पॉइंट इधर से सिलेक्ट कर सकते हो यहां से ऊपर से फॉर्ट चेंज कर सकते हो कोई फॉर्ट चेंज करना है ठीक है अगर आप मैनुअल रिसाइज करना चाहते हो तो आप उसको सिलेक्ट करोगे ठीक है कॉर्नर से सिलेक्शन टूल से रीसाइज लेकिन अभी मैं रिसाइज कर रहा हूँ वो इक्वल प्रोपोर्शन में रिसाइज नहीं हो रहा तो उसके लिए आप शिफ्ट होल्ड करेंगे ये आपने नोट कर लेना है

जैसे एक दफा क्लिक करने के बाद आपने टेक्स्ट लिख है सिलेक्शन टूल लेना है और उसके बाद आप इसको शिफ्ट होल्ड करके बड़ा कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप उसको प्लेस कर सकते हैं उसके बाद इसका आप कलर चेंज कर देंगे ठीक है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं ये डिजाइन बना सकते हैं उसके बाद अगर आप टेक्स्ट लिखने क्लिक किया ठीक है आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा फिर एंटर किया ठीक है कोई टेक्स्ट लिखा एंटर ठीक है फिर एंटर ठीक है टेक्स लिखने के बाद अब आपने इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है तो ये अलाइनमेंट ऊपर वो प्रॉपर्टी बार में शो करवा रहे हैं इंडिविजुअली है है। भी आप एक एक टेक्स्ट का चेंज कर सकते है। कलर चेंज करना है आप उसको डबल क्लिक करेंगे आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं ठीक है थेके? तो इस तरह से आप पूरी ये असाइनमेंट बनाएंगे ठीक है